नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ की अपडेट है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्याणी के M4 को लेके, जहाँ पे इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके जो ऑर्डर हैं वो आर्मी ने दिए थे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के रूप में, जिसको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस तरह के जो प्रोक्योरमेंट होते हैं वो आपके आर्मी के प्रमुख के जो फाइनेंशियल पावर है उनके थ्रू खरीदा जाता है। यहाँ पर कल्याणी के M4 को लेके ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया गया है। हम सभी अवेयर हैं कि कल्याणी M4 ओरिजिनली भारत फौज का प्रोडक्ट नहीं है, ये अफ्रीकन कंपनी पैरामाउंट का प्रोडक्ट है, जिसको M4 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि कल ही दुबई में जो डिफेंस एक्सपो चल रहा है, उस डिफेंस एक्सपो के टाइम पे भारत फौज ने और पैरामाउंट ग्रुप ने इंडियन आर्मी को M4 सप्लाई करने के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है वो 178 करोड़ के अराउंड है, जिसके अंतर्गत इन सभी व्हीकल को कल्याणी भारत में मैन्युफैक्चर करने जा रही है। बात करते हो नंबर ऑफ यूनिट की, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिफाइंड हो गई है कि 178 करोड़ के अराउंड है। इसमें से आप 8-9 करोड़ निकाल देते हो जो कि मिसलिनियस कॉस्ट हो सकते हैं, तो आपके पास बचते हैं 170 करोड़ जो कि रुपीज में है। और इसी तरह के व्हीकल को तैयार कंडीशन में खरीदा था UAE ने कुछ साल पहले ही, जो कि उन्होंने 4 के नंबर में खरीदा था और उनको जो लागत पड़ी थी वो 20 करोड़ के अराउंड पड़ी थी, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो यूनिट कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी थी वो 4-5 करोड़ पर यूनिट की थी। अब यहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं 170 करोड़ के अराउंड, जिसको भारत में कल्याणी ही बनाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो कम होगा, लेकिन जो एक कॉस्ट एस्केलेशन है उसको भी आप फैक्टर इन कर देते हो, तो इन सभी चीज़ों को मिला के अगर यूनिट कॉस्ट 2.5 करोड़ भी आती है तो इतने पैसे में जो नंबर है वो वेरी करेगा 60-70 यूनिट के बीच में। अब यहाँ पे ये बात अलग है कि M4 में जिस तरह के प्रोटेक्शन है, फैसिलिटी है, उन सबको आप कम कर दो तो जो यूनिट कॉस्ट है वो 2 से नीचे आ जाएगी करोड़ में, फिर जो आपका नंबर ऑफ यूनिट है वो 100 से ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे अनुमान में जो नंबर है वो 50 के अराउंड ही है। अभी इसको लेकर कई सारे जो रिपोर्ट हैं वो चल रहे हैं, जहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो नंबर है वो 200 हो सकता है, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। अगर 200 यूनिट होगा तो पर यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो अराउंड 1 करोड़ के आसपास पड़ेगी, और इतने कॉस्ट तो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो व्हीकल हैं उनके आम व्हीकल के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या है उसका हम वेट करेंगे। अगर नंबर सामने आ जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ पे आर्मी को लेकर मुख्य डेवलपमेंट है, यहाँ पे आर्मी ने कल्याणी के जो M4 के ऑर्डर हैं वो दिए हैं, और जिसको उनके पार्टनर के साथ अप्रूव किया गया है, इनकी पैरामाउंट के साथ। कल्याणी M4 की बात करते हुए तो इसके ट्रायल कंडक्ट कर लिए गए हैं, कश्मीर से लेकर जो भारत के दूसरे ट्रेन हैं उन सभी में इसके ट्रायल कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये ऑलरेडी वैलिडेट किया जा चुका है UAE के द्वारा, उन्होंने भी ट्रायल कंडक्ट किए थे डेजर्ट में। तो टिपिकली ये एक मल्टी रोल व्हीकल है जो कि आपके पर्सनल अंदर बैठे हैं, उनको ये माइन IED और इस तरह के अटैक से बचाएगा। तो इसको आप APC के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जिस तरह के मिशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। व्हीकल के जो सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि उसको हेल्प करते हैं हर तरह के टेरेन में मूव करने में, सक्षम है -20 से लेके +50 डिग्री के बीच में ऑपरेट करने में सेल्सियस में। जबकि यहाँ पे दिया गया जो डिपार्चर एंगल है और अप्रोच एंगल है वो 43 और 44 का दिया गया है, जो कि असिस्ट करता है हर तरह के रोड पे चलने में। इसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है 50 kg TNT के ब्लास्ट से, जो कि व्हीकल के जस्ट नीचे रख के वो किया गया था, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। व्हीकल को डिजाइन किया गया है मोनोकॉक हल से, व्हीकल के फ्लोर पे जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया है। व्हीकल कैरी कर सकता है 2.3 टन के पेलोड को, जो कि आमतौर पर 8-10 मेंबर होंगे। जबकि यहाँ पे M4 को पावर किया जा रहा है एक 465 HP के इंजन से, ये एक टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर का इंजन है जो कि आपके पावर टू वेट रेशियो को ऊपर रखता है। टॉप स्पीड यहाँ पे 140 km/h की है, जबकि जो व्हीकल की रेंज है वो 800 किलोमीटर की है। फ्लैट टायर पर आपका व्हीकल है वो रन करने में सक्षम है 25 किलोमीटर से ऊपर। जबकि यहाँ पे बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को लेके, तो जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेके हो या फिर सिचुएशनल अवेयरनेस को लेके हो, तो आप जैसी डिमांड करोगे उस तरह से इसको इक्विप किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ व्हीकल के इंटीरियर हैं जो कि IREX के टाइम पे लगाए गए थे। बहरहाल इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर है, जो कि उनको इमरजेंसी में इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो दिया जा रहा है, जल्दी जो डिलीवरी है वो शुरू की जाएगी। आई होप कि कल्याणी ग्रुप इसके मैन्युफैक्चरिंग से कुछ नया अपना डेवलप करे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा जो कंपोनेंट है वो भारत में बनाने को ट्राई किया जाएगा, क्योंकि जो भारत फौज है वो ऑलरेडी व्हीकल्स के बिजनेस में थी, तो उनके लिए इस तरह के सेटअप में मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा अनुकूल होगा। यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में हम बात कर लेंगे, जिसको मैं अवॉइड कर रहा था कि कवर ना करे। यह है DRDO द्वारा बनाए जाने वाले शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, यानी कि VISRAD को लेकर, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मैनपैड है, जिसको DRDO बना रही है। तो इसके एयर फ्रेम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टेंडर है वो 19 तारीख को निकाला गया था, लेकिन ये पूरा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हो जो भी वहाँ पे कंटेंट है। तो यहाँ पे DRDO के मैनपैड को बनाने के लिए, स्पेशली इसके एयर फ्रेम को बनाने के लिए ये RFP निकाला गया है। जिस तरह के यहाँ पे डायमेंशन आपको दिखता है तो रशियन और US के जो मैनपैड हैं उनसे ये एक्यूरेट और हैवी ब्लो देने जा रहा है। यहाँ पे सारे डायमेंशन मैंने निकाल दिए हैं। लॉन्चर का जो डायमीटर है वो 90 मीटर का है, जबकि यहाँ पे टारगेट को अक्वायर करने के लिए जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो भी दिया जाएगा। बहरहाल हमारे लिए इतना जानना काफी है कि इसको के जो काम है वो अपने पेस पे है।
और अभी जो एयर फ्रेम है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग हो इस साल के अंत तक या फिर 2022 के Q1 में टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। सो यहाँ पे एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं इसी में, वो है अर्जुन एम के 1A को लेके, यानी कि मार्क 1 अल्फा को लेके। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इसको 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पहला अर्जुन एम के 1A है वो हैंड ओवर किया गया था आर्मी को। यहाँ पे इसको लेकर ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आज के DSC काउंसिल के मीटिंग के बाद 118 के नंबर में प्रोक्योर करने के लिए जो अनुमति है वो दे दी गई है DSC के द्वारा। यहाँ पे हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर जानते हैं जिसको हेड करते हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने ये जो अनुमति है वो दी है। इसके बाद जो CCS अप्रूवल है वो दिया जाएगा। यहाँ पे अर्जुन मार्क 1A के साथ आर्मर्ड व्हीकल को प्रोक्योर करने के लिए जो अनुमति है वो भी दी गई है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो DSC क्लियरेंस है अर्जुन मार्क 1A को लेकर वो कर दिया गया है। इसके बाद जो CCS है उसके क्लियर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की जाएगी। इसमें हम बात कर लेते हैं एक और डॉक्यूमेंट को लेके जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाला है। ये DRDO के प्रोडक्ट को लेके हैं, DRDO के वो प्रोडक्ट जो कि DRDO चाहती है उनको एक्सपोर्ट करे, जिसमें LCA तेजस के साथ साथ जो WHAP है, उत्तम है, नेत्र है, सबमरीन के पेंट है, AIP है, रबर टाइल्स है, जो भी डिकॉय सिस्टम है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। ये उस लिस्ट में दिए गए कंटेंट जैसे कि LCA तेजस हो गया, नेत्र हो गया, लक्ष्य हो गया, ड्रॉप करने वाले वेरियस टाइप के पैराशूट हो गए, ब्रेक पैराशूट हो गए, IFF हो गया, एरेस्टर बैरियर हो गया, अर्जुन टैंक है, पिनाका है, ATAGS है, जो भी आपके ब्रिजिंग सिस्टम है वो सभी हैं। हाल ही में बनाया गया LMG, WHAP, JVPC, UBGL ये सभी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको देखना होगा पॉज करके देख सकते हो, तो इस तरह के तकरीबन 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिसको DRDO ने इस लिस्ट में डाला है और ये सभी जल्दी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।